आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी, इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हमें तो बोलना है। वो कहते हैं ना, जलवा है हमारा। राहुल गांधी जी का भी हमको जलवा देखने को मिला पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए, जिसमें अग्निवीर था, बजट था, देन चक्रव्यूह से समझाया कि कैसे रूलिंग पार्टी जो है वो चक्रव्यूह के थ्रू मिडिल क्लास पीपल, जो बैकवर्ड क्लास है, उसका नुकसान कर रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब हम सारे मुद्दों का एनालाइज करते हैं। सबसे पहला मुद्दा चक्रव्यूह। राहुल गांधी जी ने कहा हजारों साल पहले हरियाणा में चक्रव्यूह हुआ, जिसमें 6 लोगों ने चक्रव्यूह रचा था और अभिमन्यु को मारा। और चक्रव्यूह का दूसरा मीनिंग होता है पद्मव्यूह, वो होता है कमल फॉर्मेशन। और बीजेपी भी वही कर रही, बीजेपी में भी 6 लोग हैं वो चक्रव्यूह रच रहे और वही लोग पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। इन 6 लोगों का नाम राहुल गांधी जी ने दिया। उसमें पहले थे मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे मोहन भागवत, चौथे अजीत डोभाल, पांचवे थे अदानी और छठे थे अंबानी। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये 6 लोग मिलके ही पूरे देश को चला रहे और पूरी देश की इकोनॉमी पे कंट्रोल करके बैठे। उन्होंने बजट के बारे में कहा कि ये जो बजट है, इसमें आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये बजट बनाया ही इसके लिए गया है कि ये सिर्फ 2 लोगों को फायदा करे, और वो है अडानी और अंबानी। यही बात पे स्पीकर ने राहुल गांधी जी को तुका और कहा, आपके ही नेता गौरव गोगोई ने मुझे लेटर लिखा है और कहा है कि जो मेंबर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनका नाम ना लिया जाए। स्पीकर ने राहुल गांधी जी से कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, तो मैं चाहूंगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उनका नाम ना लिया जाए। तो राहुल गांधी जी ने कहा, तो फिर मैं अडानी अंबानी कैसे कहूं? क्या मैं उसको A1 A2 कैसे कहूं? हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अडानी और अंबानी। अरे, क्या सर? सर, मैं सर कैसे बोलूं सर? आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। वो किसी में देखे गए, इसलिए आपको इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले, तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी, सॉरी, A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस बजट में कहा गया कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज जो है वो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दे। आज हमारे देश के जो युवा है वो एक तो बेरोजगार है और प्लस जो मेहनत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनका पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पे एक साइड बेरोजगारी है और एक साइड पेपर लीक है। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि 2014 से लेके 2024 तक करीब 17 बार पेपर लीक हुए। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था, वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर, दूसरी तरफ आपने
राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस बजट में अग्निवीर की कोई बात ही नहीं कर रहा, इस बजट में अग्निवीर के पेंशन की भी बात नहीं की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अग्निवीर को जो पेंशन मिलना चाहिए, जो कि उनका अधिकार है, वो नहीं मिल रहा। हाल ही में मोदी जी ने कारगिल दिवस पे कहा था कि अग्निवीर योजना इसके लिए लाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा आर्मी में ज्वाइन। उसके बाद राहुल गांधी जी ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। देश के सारे किसान चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी उनको दी जाए, लेकिन ये बजट में एमएसपी पे भी कोई बात ही नहीं हुई और किसानों को कोई गारंटी नहीं मिली एमएसपी की। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ हमारे देश के किसान को, जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हम एमएसपी का बिल यही पार्लियामेंट में पास करेंगे और किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मिडिल क्लास पीपल है, जो कि मोदी जी को सपोर्ट करते थे, मोदी जी ने ये बजट के द्वारा उनके पीठ के पीछे और उनकी छाती पे छुरा घोंपा है। पहले तो ये बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ाया गया और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ाया गया, जो कि सीधा सीधा मिडिल क्लास पीपल के पीठ में और छाती पे छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन इससे इंडिया एयरलाइंस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब जो मिडिल क्लास बीजेपी को वोट करता था, अब वो इंडिया एयरलाइंस को वोट करेगा। जब ये बात हो रही थी और राहुल गांधी जी A1, A2 और अडानी और अंबानी की बात कर रहे थे, तभी किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट के रूल ही नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो डायरेक्ट चेयर को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि हमारे सदन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको नियम मालूम नहीं है, इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन के नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। बीजेपी वालों ने यह भी कहा राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया, तो राहुल गांधी जी ने जवाब दिया कि मैंने हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं किया और मैं मेरी जिंदगी में जब तक मैं मरूंगा तब तक मैं मेरे हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं करूंगा। इसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि देश की 73% आबादी दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग, ये तीन लोग मिलकर बनती है और इस बजट को जो बनाया गया उसमें 20 अफसर और इसमें एक भी इन वर्ग का नहीं, जिनकी भागीदारी 73%, उनमें से क्यों कोई भी ऑफिसर इस बजट को बनाने में शामिल नहीं हुआ। यही बात पे निर्मला सीतारमन जी हंसने लगी और उन्होंने माथा पकड़। तो राहुल गांधी जी ने कहा ये कोई हंसने की बात नहीं। राहुल गांधी जी ने इसी के साथ कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया और कहा हमारे देश के लिए कास्ट सेंसस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सी कास्ट की कितनी भागीदारी। और कास्ट सेंसस सिर्फ इंडिया एयरलाइंस नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है। और राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के जो पिछड़े वर्ग है वो कोई अभिमन्यु नहीं है, वो अर्जुन है अर्जुन। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि पीएम मोदी, आज मैं भाषण दे रहा हूं तो नहीं है, जो बजट बनाया गया इसने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को लो कर दिया, इसीलिए पीएम मोदी जी आप सदन में नहीं आए और जब जब मैं भाषण दूंगा तब पीएम मोदी जी सदन में नहीं आए, क्योंकि वो डर चुके हैं। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कास्ट सेंसस है, एमएसपी है, ये सारी चीजें जो है ये चक्रव्यूह को तोड़ देगी और हमारा जो हिंदुस्तान उसे आगे बढ़ाएगी और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी। इसी के बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि जो मीडिया वाले हैं, जो बिचारों को आपने पिंजरे में कैद करके रखा है उनको छोड़ दीजिए। तो स्पीकर ने कहा कि बिचारे मत कहिए, वो बिचारे नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने फिर कह दिया कि नॉन बिचारे जो मीडिया वाले उनको छोड़ दीजिए पिंजरे में से। जो मीडिया 24 घंटे राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलती है उनको ही राहुल गांधी जी मिलने गए और उनकी आवाज उठाई, ये बताता है कि नफरत पे मोहब्बत आज भी भारी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय